सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। क्या आपको पता है कि नोबित इतना आलसी क्यों है। और आज का एपिसोड 1973 यानी कि जब डोरेमोन पहली बार टीवी पे आया था तब के एपिसोड में क्या अंतर है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि नोबिता इतना आलसी क्यों है। असल में नोबिता आलसी डोरेमोन की वजह से ही है। आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि डोरेमोन की वजह से कैसे, बल्कि डोरेमोन तो नोबिता की मदद करने आया था, ना कि उसको आलसी बनाने। लेकिन डोरेमोन की मदद की वजह से ही नोबिता इतना आलसी है, क्योंकि नोबिता को जब भी कोई काम होता है तो वो डोरेमोन से गैजेट मांगता है। जब भी नोबिता किसी मुश्किल में होता है तो खुद उस मुश्किल का सामना किए बगैर डोरेमोन से गैजेट मांगता है। सीधी बात यह है कि नोबिता डोरेमोन के गैजेट पर निर्भर है, इसलिए वो इतना आलसी है। एपिसोड्स देखते देखते आपके दिमाग में ये बात तो आई ही होगी कि नोबिता हमेशा चश्मा क्यों पहन कर रखता है। वो तो ना ही ज़्यादा टीवी देखता है, पढ़ाई तो वो करता ही नहीं, फिर उसको चश्मा कैसे लगा। असल में नोबिता को चश्मा इसलिए लगा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉमिक बुक्स पढ़ता है। आपने बहुत से एपिसोड में देखा ही होगा कि नोबिता हमेशा कॉमिक बुक्स ही पढ़ता रहता है, इसलिए उसे चश्मा लगाए। आपको ये तो पता ही होगा कि सुनियो अपने डैड के कितने पैसे अपने टॉयज पे उड़ा देता है, लेकिन फिर भी उसके डैड उसे कुछ नहीं कहते। सो कुछ लोग सोचते होंगे कि सुनियो के डैड कौन सी जॉब करते हैं जो इतने अमीर हैं। कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि सुनियो के डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तभी तो सुनियो अपने डैड के पैसे पानी की तरह बहा देता है, फिर भी उसके डैड उसको कुछ नहीं कहते। आज हम डोरेमोन के जो एपिसोड देखते हैं वो पहले के एपिसोड से बहुत ही अलग है। अब मैं आपको 1973 का एपिसोड दिखाने वाला हूँ, यानी कि जब डोरेमोन को पहली बार एनिमेशन के रूप में टीवी पे लॉन्च किया गया था। ये एपिसोड 1973 में लॉन्च किया गया था, तब एपिसोड को आवाज नहीं दी जाती थी, और ये आज के एपिसोड से बहुत अलग है। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेगी। चलो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।